ये देखिए, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सामने अभी मैसेज आया है किसी और का व्हाट्सएप पे। ये नंबर है, ये देखिए, सर मैंने मनोज सर को बोला पैसे के लिए, अगर नहीं मिला तो कल FIR फाइल करूंगा। ये नंबर है, आप में से कोई देख ले, नंबर ना देखा। हाँ, ट्रांजेक्शन का दिखा रहे हैं वो। ऐसे बहुत सारे लोग अब हम लोग को, ये देखिए, ये नाम देखिए, ट्रांजेक्शन बिल, ये दूसरा आदमी है, ये राज फौजदार नहीं है, ये दूसरा आदमी मनोज पाटिल के लिए बोल रहा है। इसके ट्रांजेक्शन मनोज पाटिल लिखा है या नहीं लिखा है, ये अभी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ये लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ये इतना बड़ा रैकेट है ड्रग का, स्टेरॉइड का, कि पहले फेक सप्लीमेंट सिर्फ बेचते थे लोग, अब फेक स्टेरॉइड बेचते हैं। तभी आप देखते हैं, कभी पहले सुनते थे कि जिम में बैठे बैठे कोई मर गया, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी कुछ भी बेच रहा है किसी को। क्या ये अलाउड है इस देश में? और मैंने इनको सपोर्ट किया, सोशल नेटवर्क पर डाला, तो सिंपैथी लेने के लिए आदमी कोई अगर ये बोल दे कि एक लेटर लिख दे और मैं जान देने जा रहा हूँ, और ये सब जो हो रहा है वो क्या पैसे मैंने लिए 2 लाख रुपए? मेरे ख्याल से सबसे पहले हमको ये समझना होगा सबसे पहले कि ये मुद्दा मेरा और उनका है ही नहीं, ये मुद्दा उनके और राज फौजदार के बीच में है। तो राज फौजदार ने उनको 2 लाख रुपए दिए और उन्होंने उनको स्टेरॉइड दिए, और वो स्टेरॉइड एक्सपायर थे जो 2019 में दिए थे। उसके बाद वो पैसे मांगते रहे, जब राज फौजदार को हार्ट में प्रॉब्लम आई और पैसे उनको वापस नहीं मिले, तो ये मेरे, मुझे, जुनैद कलीवाला को और काफ़ी एथलीट को इन्होंने कांटेक्ट खुद किया। ये सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हो। हाँ, मैंने, अब आप बताइए। मैंने उनसे बात चल रही थी, स्टेरॉइड दिए गए थे, तो मैंने उनको ये बात बोली कि एक्सपायरी बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं आपको बात करता हूँ, आगे करता हूँ, थर्ड पार्टी से, यहाँ से मैंने लिए हैं, मैं आपके पैसे दे दूँगा। एक दो साल से यही चल रहा है सर, पर बोले कि लॉकडाउन हो गया है, तो अभी रुको, मैं बात करता हूँ, बाद में दूंगा। तो ऐसे ये टाइम निकल गया, तो मैंने कुछ 20-25 दिन पहले ही बात की, तो उन्होंने मुझे गालियाँ दी, तो गालियाँ दी तो मैं समझ गया था पैसे नहीं देंगे। और मेरे प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने बहुत दिखाया, मेरे पेट में 1 साल से लगभग प्रॉब्लम है, लूज मोशन रहती है, और अभी थोड़ा अच्छा है पहले से, मेरी स्किन ख़राब हो गई है, पूरा फेस ख़राब है, देखो गिरा हुआ डैमेज है इसके, और मेरे हार्ट में अभी तक प्रॉब्लम है, सोचता हूँ या एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने उनको ये बात बोली, मेरी हेल्प करने के लिए कोई आया नहीं किया, काफ़ियों को मैंने मैसेज किए, तो मैंने साहिल सर को मैसेज किया अपनी साइड से, मैंने बोला कि हेल्प करो मेरी, मुझे पैसे चाहिए, और ये जो गलत काम कर रहे हैं, फेक स्टेरॉइड वगैरह बेच रहे हैं, ये इनसे किसी की जान जा सकती है। मैंने टेलीविज़न पे देखा, टीवी पे वैसे बहुत डेथ हो रही है स्टेरॉइड की वजह से, वो भी फेक। तो मैंने ये बात साहिल सर को बताई, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, बस यही है। बाकी उन्होंने मुझे गालियाँ दी, धमकियाँ भी दिलाई कि मार दूंगा साले, तू यहाँ मुंबई आके दिखा, मैं मराठी हूँ, मैं पाटिल हूँ, मेरा नाम पाटिल है, तू आके दिखा साले, पैर भी रख जा, जहाँ मिल गया तो तुझे साले काट दूंगा। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भी है जो उनके नंबर से है पूरी, मैंने जो व्हाट्सएप पे कॉल की है उन्होंने, मैंने वो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, उनका नंबर है, दूसरों से भी गाली दिलाई है मुझे, धमकियाँ दिलाई हैं, और मैं फ़ोन भी कराते रहते, मैंने अभी अपना, मैं कॉल नहीं उठाता किसी का इसीलिए, क्योंकि मुझे धमकियाँ देते हैं वो। ये मैंने कंप्लेन, मुझे इतनी नॉलेज मुझे इसलिए नहीं थी, बाकी मैंने कंप्लेन इसलिए भी नहीं की क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, फार्मर फैमिली से, किसान है मेरे पापा, तो जैसे तैसे अफोर्ड किया, मैंने बाइक बेची थी अपनी, मुझे बॉडी बनानी थी, तो मुझे पता नहीं था ऐसा फ्रॉड होगा मेरे साथ। मैंने सोचा कि पैसे मिल जाए वो अच्छी बात है, बाकी मुझे गालियाँ मिलने लगी, पैसे नहीं मिले, तो मैंने ये स्टैंड लिया बाद में, क्योंकि साहिल सर ने मेरा साथ दिया, सच का साथ दिया बस, तो मैंने ये स्टैंड ले लिया, क्योंकि सारे प्रूफ है मेरे साथ, सारे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, जो मैंने ट्रांजेक्शन की है वो है मेरे पास, उनकी स्लिप है, उन्होंने बोला है कि मैंने दिया ही नहीं, तो मेरे पास उनकी स्लिप दी है, कूरियर की है, तो बाकी जो सामान दिया वो मैंने रखा हुआ है, मैंने उनको भी बोला ये चीज़, बोल रहे थे कि हाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग बताऊँ, सामान फ़ोन भाई फ़ोन, हाँ हाँ
हाँ वो मैं आपको बताता हूँ, एयरपोर्ट है, इनके बाद ही कराया मैंने, वो मुझे ऑनलाइन की थी, मेरा फ़ोन ना ये मैंने चेंज किया हुआ, वो डिस्प्ले फूट गई है, तो मैं उनको आपको बाद में दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो मेरे पास है अभी फिलहाल वो दिखा सकता हूँ मैं, ये है सारी, क्या है ये सारी, ये पूरा है, देखो मैंने 4-5 हज़ार रुपये के कराए थे, ये मेरे प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सारे टेस्ट कराए, देख लो डेट भी देख लो, हाँ मैं वही चला रखा था, इससे पहले मैंने कभी यूज नहीं किया और मुझे पता भी नहीं था क्या चीज़ है, मैंने तो ट्रेनिंग के लिए बोला था, उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझे यही थमा दिया, बोले इससे ही बॉडी बनेगी, चला हुआ तो मुझे नॉलेज नहीं थी, देखो मेरा क्या क्या बड़ा हुआ है, ये 240 होना चाहिए सीरम और 1987 है, इसी की वजह से मेरा फेस खराब हुआ है, देखो सारे सबूत है मेरे पास, जो हाँ वो मेरे फ़ोन में है, वो भी दिखाओ जो है तो फोन, जो जो इसमें है वो दिखाइए, प्रोडक्ट क्या क्या है वो दिखाइए, हाँ। सब दिखाइए, प्रोडक्ट ये है, इसके डेट एक्सपायर कैसे पता चले, यकीन कैसे करें कि आप सच बोल रहे हो, बताइए, देखो बाहर देखो, ना ना लेते वक्त देखा था मैंने, जैसे ही मेरे पास आया मैंने उनको बोला कि भाई इसमें अलग है एक्सपायरी, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बोतल पे भी देखो, बोतल दिखाता हूँ, मैंने यूज नहीं किया है पूरा, मैंने ये रोक दिया बीच में, ये मैच करो देखो, ये टेप लगा हुआ है, ये फ्रेश डब्बा मैंने कुछ किया भी नहीं है, टेप दोनों पे लगा हुआ है, इसलिए मैंने ये बात ही बोली, बोले ये ऐसा ही आता है, इसे बार कोड भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये मैंने सब बोला उनको, बोले कि तू यूज करिए, मैंने 3-4 बोतल यूज भी कर ली, उनके बोलने से ट्रस्ट था मुझे, जब मुझे साइड इफेक्ट हुए तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे पैसे वापस दो, मैंने यूज नहीं किया आपका सामान, मैं वापस कर रहा हूँ, तो उन चीज़ की जो बात हुई है मेरे से, उन्होंने बोला है कि मैं कोई नहीं आगे डीलर से बात करता हूँ, मैंने पैसे पेमेंट कर दिए, मैं आपको कहाँ से दूंगा, मैं बोला कि भाई मैंने आपसे सामान लिया है, आप ही मुझे पैसे दोगे, मैं किसी के पास, मुझे क्या पता आपने कहाँ से लिया है, तो बोले कि तुझे जो करना है वो कर, मैं पैसे नहीं देने वाला, मैंने पैसे पेमेंट कर दिए, तो यहाँ से मैंने मुझे स्टैंड लेना पड़ा, फिर उन्होंने धमकियाँ शुरू कर दी, धमकियाँ दी मुझे काफ़ी, उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, फ़ोन कहाँ है भाई मेरा, फ़ोन दो इनका, फ़ोन दो जी आपके पास, सुनाता हूँ, पर मुझे भी कॉल आने लगे, इसको भी कॉल आने लग जाएगा, नंबर नंबर डाल, आप लोग चेक कर सकते हो, ये तो यू हैव द प्रूफ दैट इज व्हाट रियली 1 सितंबर को जो इन्होंने मुझे मैसेज किया इनका नंबर, वो नंबर में आज क्या तारीख है 16-15 जो भी सितंबर, अब वो इंस्टाग्राम पे मैं 8 सितंबर तो नहीं दिखा सकता, तो इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल लिया, फिर उन्होंने मुझे बोला भाई मेरी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मुझे मदद चाहिए, मैंने साहिल भाई को बात की, साहिल भाई ने बोले कि अगर बंदा जेन्यून है तो देखो वी आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और मैं तो प्रोफेशनल एथलीट हूँ, और कहीं ना कहीं हमें देख के बहुत सारे लोग जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के शोज खेलना चाहते हैं, बिकॉज मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया प्रो लेवल तक के, तो बहुत सारे लोगों को हमारा काम है इंस्पायर करना, और मुझे लगता है एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर हमारा एक्चुअल जॉब ये है कि लोगों को सही रास्ता दिखाए और जो गलत है उसके बारे में अवेयरनेस करें। अब मैंने साहिल भाई को बोला, मैंने बोला साहिल भाई आप इसमें साथ देना चाहोगे, बिकॉज ये बहुत अच्छा मौका है लोगों को अवेयरनेस, देखो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने मेरी बहन के साथ में बाकी शादी कर दी, ऐसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट एक अवेयरनेस की बात थी, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, आप लोग तो मीडिया वालों मेरे से ज़्यादा, आपको पता है कि कौन स्टीरॉयड की वजह से कितना मर रहा है, हर दिन एक हार्ट अटैक का केस आ रहा है, एक किडनी फेलियर का केस आ रहा है, एक लीवर केस आ रहा है, लेकिन कोई स्पीक नहीं करना चाहता, बिकॉज लेने वाला भी डरता है वेरी फ्रेंकली कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, और देने वाला भी डरता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। फेमस लोग की भी डेथ हो रही है, बहुत फेमस एथलीट्स की भी डेथ हो रही है, ये सब अभी हो रहा है ना 2-4 साल में। अगर स्टेरॉइड डॉक्टर्स यूज करते हैं, देखिए कोई अगर स्टेरॉइड यूज कर रहा है, आप में से भी यूज कर रहा है या अदरवाइज भी यूज कर रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा वो नहीं है, हो सकता है वो डॉक्टर्स के साथ पूछ कर ले रहा हो सकता है उनके पास डॉक्टर रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन हो ले रहे हो, मुझे स्टेरॉइड लेने वालों से, चाहे वो एथलीट हो, सेलिब्रिटी हो या जो हो, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो स्टेरॉइड बेच रहा है और स्टेरॉइड बेचने के साथ साथ एक्सपायर